हेलो दोस्तों, मैं रौनक आपका स्वागत करता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक 811 के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। हाँ दोस्तों, अगर हम ऑनलाइन काम करते हैं तो हमको ऑनलाइन की लेन देन भी करनी पड़ती है और साथ ही साथ में हमको इंटरनेशनल जो पेमेंट्स है उनको भी एक्सेप्ट करना होता है। इसके लिए हमारे पास में एक ऐसा बैंक अकाउंट होना चाहिए दोस्तों, जिसमें हमारा जितना पैसा है वो सारा का सारा आ सके और हम उस सारे के सारे पैसे को कैलकुलेट कर सकें कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो कोटक 811 में हमको ये सारी सारी फैसिलिटीज मिलती है। साथ ही साथ में हमको वहाँ पर स्टेटमेंट का भी ऑप्शन मिलता है दोस्तों। वहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, सारी सारी जो डिटेल है वो हमको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ में हमको जो ये जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है, यानी कि हमको इसमें किसी भी मिनिमम पैसे को रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें ज़ीरो पैसा भी रखते हैं ना तो भी हमारे जो ये अकाउंट है ये सालों साल चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको प्ले स्टोर पर चले जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर पर आ जाने के बाद में दोस्तों, आपको यहाँ पर कोटक 811 की जो इंस्टेंट सेविंग अकाउंट एप्लीकेशन है इसको यहाँ पर से इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लोगे तो इसको ओपन कर लीजिएगा और इसमें सिंपल अकाउंट बनाने की स्टेप्स होती है, उनको आप करके यहाँ पर से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं आपको मैं ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये डिजिटल इंडियाज़ का ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है दोस्तों, और हमारे कोटक 811 की यहाँ पर कई सारी ब्रांचेज भी हैं इंडिया में। ठीक है, तो जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों, यहाँ पर हम जैसे ही आप अकाउंट बना लोगे तो डायरेक्ट आपको अकाउंट नंबर मिल जाते हैं, बहुत इंस्टेंटली आपको अकाउंट नंबर मिलते हैं। साथ ही साथ में आपको CRN नंबर भी मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर IFC कोड भी मिल जाता है। आपने देखा होगा कई सारी जगहों पर जब भी हम ऑनलाइन काम करते हैं तो वहाँ पर हमसे IFSC कोड मांगा जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि IFSC कोड कहाँ से लें। ठीक है, तो यहाँ पर कोटक की जो ये एप्लीकेशन है इसमें हमको IFSC कोड मिल जाएगा, तो हमको यहाँ पर आसानी हो जाती है कि हम यहाँ पर से ही डायरेक्ट IFSC कोड को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो हमारी ये जो प्रॉब्लम आती है इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमको यहाँ पर फ्री मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। हम किसी को भी एक सेकेंड में यहाँ पर से पैसा अपने इस बैंक अकाउंट से, कोटक 811 के बैंक अकाउंट से कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ में तो अभी यहाँ पर भीम UPI का सिस्टम चल रहा है दोस्तों। भीम UPI का भी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, जो आजकल बहुत पॉपुलर भी है। ठीक है, आप उसके ज़रिए भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है, वो है वर्चुअल डेबिट कार्ड का। हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपका खुद का डेबिट कार्ड होगा जो यहाँ पर जैसा कि आप देख भी सकते हैं इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, ये आपका अनलिमिटेड वाला डेबिट कार्ड रहेगा एक तरह से, जिसको आप यहाँ पर से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आपका अकाउंट नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है और बहुत बढ़िया एक तरह से प्रोफेशनल यहाँ पर से ये वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको दिखाई देता है और ये मिलेगा भी सही आपको अकाउंट बनाने के बाद में। ठीक है, जल्दी से जाइए अकाउंट बनाइए। ठीक है, और अकाउंट बनाने के लिए अकाउंट आप बना ही लोगे वैसे तो, इसकी जितने भी ये जो मैंने आपको फैसिलिटीज़ बताई है दोस्तों, ये आपको तभी मिलेगी जब आपकी KYC पूरी होगी। तो अब आप मेरे से बोलोगे कि KYC इतनी ख़तरनाक चीज़? हाँ दोस्तों, कुछ भी खतरनाक नहीं है। आपका जो ये आप नंबर डालोगे जब आप अकाउंट बनाते हो, जो आप नंबर डालते हो वो व्हाट्सएप पर नंबर डालिएगा तो व्हाट्सएप पे आपके पास में एक मेल आएगा, या फिर आप कह सकते हैं एक मैसेज आएगा। ठीक है, तो उस मैसेज में लिखा रहेगा कि आप अपनी वीडियो KYC करवा सकते हैं कोटक 811 के ज़रिए। तो वहाँ पर जो लिंक रहेगा आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो सामने से एक जैसे कि ये बंदी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ पर रहेंगे तो आपसे कहेंगे कि सेल्फी कैमरा ऑन कर दीजिए, तो आपके सामने ऐसे करके बातचीत होगी। ठीक है, और आपसे अगर कहा जाएगा कि आधार कार्ड दिखाइए तो आपका आधार कार्ड दिखाना रहेगा, पैन कार्ड दिखाइए तो आप पैन कार्ड दिखा दीजिएगा। है ना, सिंपल सिंपल स्टेप्स रहेगी और आपका KYC भी चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा करके इसका अकाउंट बना लीजिएगा, बहुत आसान है कोटक 811 का अकाउंट बनाना। और जो ये एप्लीकेशन है ये भी बहुत सस्ती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 MB से भी 1 MB तक की एप्लीकेशन है। ठीक है,
और आराम से एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी और आराम से आप कोटक 811 का अकाउंट बना सकते हैं दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। और इसमें आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, तो आपको तो इसका अकाउंट बना ही लेना चाहिए, ठीक है। और हमारे जो ऑनलाइन हम काम करते हैं इसमें तो ये बहुत काम की ये एप्लीकेशन हमारे लिए है। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।